गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10th हिस्ट्री. द टॉपिक हैज़ टेकन फ्रॉम द चैप्टर 2. द टॉपिक इज द रिवोल्यूशनरी. इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के दौरान द फियर ऑफ द रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. 1815 के दौरान जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जिनको आज़ादी में हर व्यक्ति की आज़ादी में विश्वास था, वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें दबा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा. सेक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रैंग देयर आइडियाज. कई सारे सेक्रेट सोसाइटीज बनने लगे यूरोप में, कई सारे सेक्रेट सोसाइटीज बनने लगे. वो छुप करके अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैला रहे थे. टू बी रिवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज. इस समय क्रांतिकारी होना मतलब मोनार्की सिस्टम का विरोध करना होता था. फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस, जो कि वियना कांग्रेस के बाद मोनार्की सिस्टम जो बनाया गया था. एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ना, इस समय क्रांतिकारी बनना बहुत ही खतरनाक था. मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज, ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे, आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. वो चाहते थे कि स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, संघर्ष है, वो जब तक नेशन स्टेट नहीं बनेगा, एक राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक ये संघर्ष पूरा नहीं होगा, स्वतंत्रता का संघर्ष पूरा नहीं होगा. वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन, ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोसेप मेजनी, जो गुयाना में 1807 में जिसका इनका जन्म हुआ था. ही बिकेम ए मेम्बर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी, वो कार्बनरी सेक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए. एज ए यंग मैन ऑफ 24, एक 24 साल के नौजवान लड़के के रूप में, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल 1831. जब वो 24 साल के थे, नौजवान थे, तो उन्हें देश निकाला, मतलब बाहर भेज दिया गया, देश निकाला कर दिया गया 1831 में, फॉर अटेंटिंग एक लिगुरी में, एक जगह फ्रांस की एक जगह है जहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया, और क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में एग्जाइल कर दिया गया, मतलब उनके राज्य से उन्हें निकाल दिया गया. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज. जब वो वहाँ गए तो उन्हें और भी उस दूसरे स्टेट में अंडरग्राउंड सोसाइटीज उन्हें मिली, जिसका नाम था यंग इटली इन द मर्सलीज एंड देन यंग यूरोपियन इन बर्न. दो क्रांतिकारी सोसाइटीज से मिले, जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न, हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड, जो उसके सदस्य थे, जो मेंबर थे इस संगठन के, इनकी विचारधारा उनसे मिलती थी. यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स. यंग मैन के लोग जो सेक्रेट सोसाइटी थी, ये पोलैंड, फ्रांस और इटली एंड जर्मन स्टेट से के लोग थे. मेजनी बिलीव दैट अ गॉड, मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर ने जो बनाया है राज्य जो बनाया है, गॉड हैड इंटेंशन नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. वो मनुष्य को एक होने के लिए, एक स्टेट और एक मानव होने के लिए बनाया है, एक नेशन स्टेट बनाया है. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम. इसलिए इटली को एक छोटे छोटे वो हिस्सों में, छोटे छोटे राज्यों में नहीं देखना चाहते थे. इट हैड टू बी फोर्ज इन टू अ सिंगल यूनिफाइड, ये इटली को एक सिंगल यूनिफाइड, एक स्टेट बनाना चाहते थे. इन राज्यों को मिला करके एक स्टेट, एक नेशन बनाना चाहते थे. स्टेट्स में बटा हुआ नहीं देखना चाहते थे, ये नेशन स्टेट्स में देखना चाहते थे. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. ये तभी हो सकता था जब इटालियन लिबर्टी, दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. ठीक है, ये तभी हो सकता था जब इटली में इटली को एक किया जा सके, तभी इटालियन लिबर्टी इटालियंस को आज़ाद किया जा सके, इटालियंस को, और उन्हें क्या किया जा सके, यूनिफाइड किया जा सके, उन्हें एक किया जा सके. फॉलोइंग हिज मॉडल,
सेक्रेट सोसाइटी वी आर सेटअप इन द जर्मनी, इसी मॉडल के आधार पर उन्होंने जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में ऐसी ही सेक्रेट सोसाइटी बनी। मेज़िनी रिलीवेंट्स अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक, मेज़िनी ने पूर्ण रूप से मेज़िनी ने विरोध किया और उसके जो विचार थे उससे कंजर्वेटिव जो थी वो डरने लगी, वो डर गई थी। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मेटरनिक ने इस सेक्रेट सोसाइटी को अपने सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक संस्था वो मानता था, सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक संस्था वो मानता था सेक्रेट सोसाइटीज़ को। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति का समय या क्रांति का युग 1830 to 1848।